वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो विज्ञापन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से निकला हुआ है, जिसमें संगणक यानी कि कंप्यूटर पर सीधी भर्ती है। इसको आप ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पद का नाम है संगणक। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 220 वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र में 30 वैकेंसी है, कुल 250 वैकेंसी है। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य के निर्देशों एवं नवीन नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगा। मतलब आरक्षण का जो भी नियम है वो राज्य का जो नियम है उसके अनुसार परिवर्तन हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और वहाँ पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। और वहाँ पर रिक्रूटमेंट को क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे। वहाँ जाने के बाद यदि आप पहले बार भर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म को भर दें। फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें और तभी सबमिट करें। और लिखा है कि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप फॉर्म भरते समय ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत रसीद अवश्य रूप से प्राप्त कर लें, यानी कि आप यदि ऑनलाइन फॉर्म को भर लेते हैं तो उससे जो भी रसीद जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, उसको ज़रूर रख लें। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करें तथा इसे बदले नहीं। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी, इसलिए आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ना बदलें और अपना ही प्रयोग करें। परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। गैर अनुसूचित क्षेत्र लंबवत आरक्षण, तो आप देख सकते हैं कुल पद है 220 और आप इस विज्ञापन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहे। अनुसूचित क्षेत्र लंबवत आरक्षण, कुल 30 पद हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित एवं सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के स्नातक उपाधि होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान के संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप यदि इस पोस्ट को भर रहे हैं तो आपको देवनागरी लिपि में लिखना और पढ़ना आना चाहिए और साथ ही साथ राजस्थान की जो संस्कृति है उससे आपको वाकिफ होना होगा। राष्ट्रीयता, अप्लाई करने के लिए आप जानते हैं भारत का एक नागरिक होना चाहिए। नेपाल के भी नागरिक भर सकते हैं, भूटान के भर सकते हैं और उसमें कुछ शर्त भी है और शर्त को अच्छी तरह से आप देख लें। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में छूट आपको राज्य के नियम के अनुसार मिलेगा और आपको नियुक्ति के समय में जो पेंशन होगा वो अंशदायी पेंशन होगा, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। यदि ये वीडियो आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।